हम डाउट्स लेते हैं। मैं इसको रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आर्यन का डाउट आया था और हाँ अभी क्लास में नहीं है ना आर्यन, और उसका डाउट था ओवरकास्ट का और अंडरकास्ट। एक बार उसको डाउट आ रहा है ओवरकास्ट और अंडरकास्ट के अंदर, मैं फिर तीसरी बार समझा रहा हूँ ये बात, अब दिस इज द थर्ड टाइम, ठीक है जी। मैं फिर तीसरी बार समझाता हूँ, मैंने आपसे कहा था अगर हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, अब सुनो मेरी बात गौर से, इससे बाहर आओ, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक, अगर किसी भी बुक के टोटलिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए या ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट। ज्यादा लिख दिया तो ओवरकास्ट, कम लिख दिया तो अंडरकास्ट, और ये दोनों के दोनों जो है ये कौन सी एरर है, वन साइडेड एरर। लेकिन इस एरर को सुधारने के लिए हमें वो ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं, हम इसे सीधा भी सुधार सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया, बहुत बार। मान लो हमने कहा परचेज बुक क्या कर दी, परचेज बुक अंडरकास्ट बाय रुपीज 100। अगर हमने परचेज बुक को अंडरकास्ट किया है 100 रुपए से, अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लिख दिया। अगर आप इसको ट्रायल बैलेंस से बना के भी समझोगे तो बना सकते हो, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैं बताता हूं कैसे, लेकिन एंट्री बड़ी हो जाएगी। देखो कैसे, परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय रुपीज 100। मेरे को बात सुनो इधर, जब हम परचेज की एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लो कैश या मान लो एक्स, अगर कैश होता तो इसमें ना आता तो एक्स, ठीक है जी। तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट 200 टू एक्स 200, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। आपने क्या कर दिया, आपने अंडरकास्ट कर दिया, कितने से 100 रुपए से। मालूम है आपने क्या लिखा, आपने लिखा परचेज अकाउंट 100 टू एक्स 200, ये वाला काम आपने किया है, ठीक है, अंडरकास्ट किया ना आपने, तो इस तरफ एड कर देंगे हम, फाइन, ये काम करना पड़ेगा। तो हमने इसको इस एंट्री में ना समझने के लिए, हमने इस एंट्री को इसमें ना समझा कि आप कंफ्यूज ना हो, तो हमने सीधा कहा अंडरकास्ट का मतलब है कम लिखा, किस तरफ कम लिखा, परचेज की तरफ, और परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो जहां कम लिखा और उसमें ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा टू, वैसे भी समझोगे तो समझ में आएगा जो मैं कर रहा था, लेकिन वो लंबा मेथड हो जाएगा, बात वहां पे समझ में आएगी जो भी मैंने लिखा था। आपने वही काम को अगर ऐसे समझना है तो मैं ऐसे समझा देता हूं, अगर ऐसे नहीं समझ में आती बात, ऐसे समझने ये समझो, मान लो ये आपने किया परचेज, आपने कितने की, किससे परचेज की, एज्यूम कर लो एक्स से परचेज, ठीक है, लेकिन आपने लिख क्या दिया, आपने लिखा परचेज अकाउंट 100 टू एक्स अकाउंट 200, अंडरकास्ट क्या हुआ है, परचेज, ये वाला, ये अंडरकास्ट हुआ है, वो अंडरकास्ट नहीं हुआ, इसको अंडरकास्ट किया, तो डिफरेंस किस तरफ आया, किस तरफ, तो अकाउंट कहां खोला आपने, डेबिट में, कौन सा अकाउंट खोला, ये देखो, फिर आपने क्या खोला, अब गलती मिल गई, गलती मिल गई, तो सस्पेंस अकाउंट की जरूरत है, नहीं है। अगर सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है तो क्या लिखा जाएगा, टू, कितना, 100, और बोलो सही मायने में वो क्या लिखना चाहिए था आपको, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, लेकिन ये लंबा हो जाएगा इसके लिए, अगर ऐसे समझ में आती है ऐसे कर लो, परचेज बुक अंडरकास्ट अगर आपको समझ में ऐसे आता है तो ऐसे कर लो, लेकिन वो सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है भैया, परचेज बुक का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट में कम लिखा है तो डेबिट में लिख दो, सामने टू सस्पेंस लिख दो। अगर ऐसे नहीं समझना चाहते हो शॉर्टकट में तो ये कर लो, बात तो हुई कि नहीं आ गई, सेम बात आ गई कि नहीं आ गई। अभी देखो परचेज बुक ओवरकास्ट, इसी चीज को मैं समझाता हूं दोनों तरीके से। आप क्या किया हमने, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय रुपीज 100, समझो मेरी बात, इधर देखो, परचेज बुक में ज्यादा लिख दिया, अगर किसी अकाउंट में ज्यादा लिख दिया है और उसको कम करना है तो क्या करते हैं, अपोजिट में एंट्री पास करते हैं। परचेज के अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, डेबिट से 100 रुपए घटाने हैं तो क्या करें, क्रेडिट में, तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना, ये एंट्री बनेगी ना। अब इसको इसमें समझो, इस बात में समझो, ये देखो इसमें समझ के देखो, बात वही की वही है, समझाने के लिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, लेकिन ऐसे नहीं कि यहां हो नहीं सकती, यहां भी हो जाएगी। देखो ये देखो इसमें समझो,
मानो आपने परचेज कितने की 200 रुपए, ठीक है, आपने परचेज की 200 की, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज 200 टू एक्स 200, ऐसा एज्यूम कर लिया। लेकिन आपने कितने से ओवरकास्ट कर दिया, 100 रुपए से, यानी आपने परचेज में कितना लिख दिया बोलो, और एक्स में फर्क कितने का आया, कहां आ रहा फर्क, तो आपने कहां खोला सस्पेंस अकाउंट, यहां आपने खोला सस्पेंस अकाउंट, कितने से खोला, ये कितना हो गया 300, ये भी कितना हो गया 300, इसकी जरूरत है अब तो हटा दो, ये हट गया ना सस्पेंस अकाउंट, हटा कि नहीं हटा, हट गया सर, ये देखो ये हटाया आपने, यहां से 100 रुपये हटा दिया और यहां से भी 100 हटाने पड़ेंगे क्योंकि आपने फालतू लिख दिया, 100 यहां से हट गए और 100 यहां से हट गए, हो गया काम से, इसमें 300 लिखा था, यहां से 100 रुपये हटाने पड़ेंगे तो 100 रुपये हटा दिए, क्रेडिट कर दिया, सस्पेंस की जरूरत नहीं, इसको डेबिट कर दिया, ऐसे समझ लो बात, तब भी एक ही बात है यार। लेकिन इसके लिए जब ओवरकास्ट अंडरकास्ट होता है उसके लिए मैंने कहा ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधी एंट्री पास कर सकते क्योंकि साफ समझ में आती है एंट्री, अगर आपको इसमें समझ में आ रही है तो ऐसे बना के कर लो भाई, मैं मना नहीं करूंगा, वर्किंग नोट बना के कर लो, तब भी बात वहीं की वहीं आएगी, आप चाहे कुछ भी करके देख लो, ये देखो आप अगली एंट्री करके देखते हैं, ये देखो बना के दोनों तरीके से करते हैं, ये देखो परचेज बुक नहीं, अब हम क्या करते हैं सेल्स बुक, ये लो सुनो इधर, सेल्स बुक ओवरकास्ट, सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ सेल्स, क्रेडिट बैलेंस, यानी हमने क्रेडिट में 100 रुपए ज्यादा लिखे हैं, अगर क्रेडिट में 100 रुपए ज्यादा है और वहां से कम कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो हमने लिखा सेल्स 100 रुपए टू, ये तो हो गया शॉर्टकट इस एंट्री के लिए, ठीक है, अगर इसको सही तरीके से करना हो तो ये देखो हुआ क्या होगा, एज्यूम कर लो कुछ भी एज्यूम कर लो, फिगर 500 एज्यूम कर लो, 400 कर लो, आपने किसी को माल बेचा, किसी को माल बेचा तो आपने एंट्री की एक्स अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स 500, यहां तक तो आप ठीक थे, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, इधर को क्या कर दिया ओवरकास्ट, कितने से 100 से, तो एक्स की जगह सही लिखा लेकिन यहां क्या लिखा टू सेल्स के अंदर, ये वाली कहानी है, एक्स तो आपकी जगह पे ठीक है 500, लेकिन सेल्स में क्या लिख दिया मुझे बताओ, फर्क किस तरफ आया, डेबिट साइड में, तो आपने डेबिट में क्या खोला कर दिया इक्वल दोनों को, आप बताओ गलती मिल गई, नाउ यू हैव फाउंड द मिस्टेक, इस सस्पेंस की जरूरत है, इसकी जरूरत है नहीं, ये कहां लिखा है डेबिट साइड में, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से 100 रुपए, एक तो ये आपने हटा दिया, इधर सेल में कितना लिखा था आपने, कितना होना चाहिए था, तो कितना हटाना पड़ेगा सेल से, कितना हटाना पड़ेगा 100 रुपए, और कोई चीज हटानी है तो क्या करते हैं, अब इतना बड़ा तामझाम करना है तब भी एंट्री सेम बननी है, सीधा समझना तब भी सेम बननी, ये ऐसा नहीं है कि इस एंट्री को आप ऐसे कर नहीं सकते, सर आपने कहा था हर चीज एक ही मेथड से होनी चाहिए, यहां आपने में दो मेथड सिखा दिए, अरे भाई इस मेथड से भी कर सकते हो, मना कौन कर रहा है, कौन मना करता है आपको बोलो, मैंने आपको बोला ना मेरे साथ सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि मैं हमेशा एक ही मेथड लेके चलूंगा और आखिर तक जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा मैं मेथड चेंज नहीं करता, मैं कभी मेथड चेंज नहीं करता, ये मेरी पक्की बात है, जो मेथड मैंने करवा दिया वही मेथड पे रहूंगा, उसी में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हाँ ये मैंने आपको शॉर्ट इधर मैंने आपको शॉर्ट इसलिए करवाया ये क्योंकि इसमें इसकी जरूरत नहीं थी, अगर आपको लगता है कि ये शॉर्टकट में आपको कंफ्यूजन आ रही है तो कर लो ऐसे, अब देखो इसी को एक और करते हैं, क्या करें सेल्स बुक अंडरकास्ट, ठीक है ये लो, नहीं मुझे पता उसको समझ में आ गया, जिनको समझ में आ गया उनको लग रहा होगा कि ये टाइम पास है, लेकिन कोई बात नहीं करना तो पड़ेगा, सेल बुक अंडरकास्ट, ठीक है सेल बुक क्या हो गई अंडरकास्ट हो गई, ये लो ठीक है जी, इधर देखो सेल बुक क्या हो गई अंडरकास्ट, मुझे बताओ सेल्स का बैलेंस क्या होता है, यानी आपने क्रेडिट में 100 रुपए कम लिखे और कहीं कुछ कम लिखा हो और उसमें ऐड करना तो क्या करते हैं सेल हिसाब में ऐड करते हैं, इसका मतलब एंट्री क्या बननी चाहिए थी, मतलब ये मैं इतनी गंदी हेडिंग से लिखता हूँ, मुझे इतना ये लगता है क्लरिकल जॉब, मुझे ऐसा लगता है मैं दोबारा से 2000 में पहुंच गया हूँ, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ,
हो गया, ये दिल को तसल्ली मिलती गंदा लिख के, हो गया सस्पेंस टू हो गई। अच्छा छोड़ो वो, छोड़ो शॉर्टकट छोड़ो, लॉन्ग कट में आते हैं। हमने सेल्स की, मान लो हमने सेल्स की मोहिनी को, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? कितने की? लेकिन मालूम है हमने क्या किया, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 100। मोहिनी के अकाउंट में गलती नहीं की, सेल्स में क्या लिख दिया, क्या लिख दिया 400। फर्क किस तरफ आया? क्रेडिट साइड। तो यहां क्या खोला हमने, कितने से? अब गलती मिल गई, बोलो इस सस्पेंस की जरूरत है नहीं, तो सस्पेंस को हटाओ। हट गया सस्पेंस। अब मुझे बताओ सेल्स में कितना कम लिखा था? 100। लिखो 100 रुपए, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, यार बात तो एक ही है भाई, कैसे भी करो। अगर ये कंफ्यूज कर रही है शॉर्टकट वाली, तो लॉन्ग कट से कर लो, क्या प्रॉब्लम है? ये लॉन्ग कट से करोगे तो यहां से स्टार्ट करोगे, वर्किंग नोट बनाओगे, फिर ये करोगे। ये नहीं, अगर समझ में आ गई ये बात जो मैंने समझाई, अगर यहां घुस गई है तो फिर ये कर लो सीधी। सिर्फ ओवरकास्ट और अंडरकास्ट की एंट्री के लिए कहा था मैंने, और किसी एंट्री के लिए नहीं कहा, सिर्फ ओवरकास्ट और अंडरकास्ट की एंट्री के लिए, सिर्फ ओवरकास्ट और अंडरकास्ट, चाहे वो सेल्स रिटर्न बुक हो, चाहे वो परचेज रिटर्न बुक हो, चाहे वो सेल्स बुक हो, चाहे वो परचेज बुक हो, अंडरकास्ट हो ओवरकास्ट हो, तो फिर शॉर्ट में काम चल सकता है, उसके लिए सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन करके अगर एंट्री निकालना चाहते हो और किसी को समझाना चाहते हो, कर सकते हो, कोई मना नहीं। ठीक है जी, ये हो गया अंडरकास्ट। आई थिंक अब समझ में आ गया हो, बात क्लियर हो गई, अंडरकास्ट ओवरकास्ट हो गया। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, अब डाउट्स लेते हैं आपके, आ जाओ फटाफट जल्दी से। चलो जी, देखो मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा कि जब आप क्लास में एंटर करते हो तो अपने फोन यहाँ छोड़ दो टेबल पे। आज भी आपके टेबल पे एक ही फोन है सिर्फ, ये किसका इकलौता है? कौन है? हाँ, बाकी फोन पता नहीं क्यों इंसान को बीमारी साथ लेके चलने में शौक आता है, मुझे समझ नहीं आता। अगर आप उससे आज कहो ना सर आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं देंगे, आप हमें फोन करके बता दिया करो कि टाइम क्या है और पेपर के बारे में, और ये फोन आप तोड़ दो, मैं इसको आज तोड़ दू कसम से, और आपके सामने रख के तोड़ूंगा। मैं से इतना दुखी हूँ इससे, इसने मेरी नींद भी हराम की है, मेरा जीना हराम किया हुआ। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बीमारी यही है। सोचो अगर ये ना होता तो क्लास रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो आगे पढ़ गए, जो भी दूर बैठ के पढ़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी से गलती बिना बात की, वो पढ़ नहीं रहे, मस्ती कर रहे, कोई भी नहीं पढ़ रहा, इनफैक्ट क्लास को कोई देखता ही नहीं, इनफैक्ट ऑनलाइन क्लास में कोई पढ़ ही नहीं सकता। अगला चैप्टर चल रहा है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई पढ़ेगा नहीं, समझ नहीं आएगी इसको जब तक यहाँ बैठेगा नहीं। इतने सारे डाउट जो हम करते हैं क्लासेस से हटके, वो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड थोड़ी होते है ना। ये तो आज मैं इसके आरएन के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो आओ पहला डाउट उठाओ, क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करें। अच्छा 24 से स्टार्ट कर लो, 24 यस सर किया हमने, पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है आ जाओ, क्योंकि आप कह रहे हो 24 में डाउट आ रहे हैं ना। यार ये तो बकवास कर रहे हो, क्या क्या डाउट है यार, ये 24 का ई पढ़ा भी तुमने? अच्छा आप भी पढ़ो सारे। रेंट पेड फॉर रेसिडेंटल अकोमोडेशन ऑफ मदन द प्रोपराइटर ₹1400 वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट एज 1000। अरे सुनो, आपने रेंट पे किया, पढ़ा भी था तुमने क्वेश्चन? ये तो मैं नहीं करवाने वाला हूँ, ये तो सिंपल था यार, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना था, आपने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया 1000 रुपए से, दो गलतियां कर दी ना, ये नहीं मैं करवा रहा। इधर आओ अगला, और बोलो कौन सा है इसी में, है 24 में बोलो ना, ये बता दो संडे एक्सपेंस क्या होते हैं बस। अरे भाई छोटे छोटे खर्चे यार, वो भी छोटे छोटे मिसलेनियस में बहुत सारे संडे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ये संडे एक्सपेंस हुआ। मिसलेनियस हम यूज नहीं करते बट अकाउंट्स के अंदर, हम अकाउंट्स में मिसलेनियस वर्ड बहुत कम यूज करते हैं, वी यूज संडे एक्सपेंस। चाय का खर्चा, कोई आ गया उसको सोडा ला के दे दिया, न्यूज पेपर मंगवा लिया, ये छोटे छोटे खर्चे, दीज आर कॉल्ड संडे एक्सपेंसेस। घरों में होते हैं ना, अभी घरों में बड़ा खर्चा क्या होता है, रेंट का खर्चा हुआ, जो लोग रेंट पे रहते हैं। अच्छा उसके बाद दाल आटा चीनी चावल स्कूल फीस ये फीस वो, ये बड़ा खर्चा है। लेकिन छोटा मोटा खर्चा क्या होता है घर के अंदर, अभी दिल कर गया पिज्जा खाने का या आइसक्रीम खाने का, वो छोटे छोटे खर्चे जो हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्री एक्सपेंस है ना। वो कौन से एक्सपेंस है? सेंट्री एक्सपेंस। अखबार मंगवा ली घर में,
न्यूज़पेपर आता है घर के अंदर, वो सब कौन सा एक्सपेंस है? सन्ड्री एक्सपेंस। चलो हाँ जी, इसमें कंफ्यूज मत हो, सन्ड्री एक्सपेंस मिसलेनियस द सेम थिंग। और सन्ड्री डेब्टर्स, अरे सुनो, सन्ड्री डेब्टर्स नहीं, हो तो डेब्टर्स हो गए मेन डेब्टर्स, क्योंकि कंपनी के दो तरह के डेब्टर्स होते हैं, एक वो जिनके लिए हम इनवॉइस लिखते हैं, एक वो जिनके लिए हम बीआर लिखते हैं। उन दोनों को इकट्ठा करके बन जाता है ट्रेड पेपर, ठीक है जी। उन दोनों इकट्ठा करके क्या बन जाता है? ट्रेड पेपर। इसलिए हम डेब्टर्स के साथ वर्ड लगाते थे सन्ड्री डेब्टर्स, लेकिन उसके अंदर सन्ड्री का मतलब यह है, इट इज नॉट अ सिंगल डेब्टर, देयर आर सो मेनी डेब्टर्स इन इट, इसलिए वर्ड लगाते हैं सन्ड्री, ठीक है जी। चलो और बताओ, बस अब तो डायरेक्ट 24 हो गया खत्म। yes, कोई डाउट नहीं 24 में? 24 में कोई डाउट नहीं, आ जाओ। लो, और किसी को डाउट है 24 के अंदर? अगर कोई डाउट, अच्छा 22 से डाउट आ रहे हैं क्या? एक मिनट, 24 में आपने किया नहीं, 24 इधर मोहिनी किया नहीं, 23 किया नहीं, 22 में किसी को डाउट है? नो सर। है 22 में किसी को डाउट नहीं है? नो सर। उन्हें किए 22 में नहीं, नहीं आ जाओ, ये लो 21 आ जाओ। 21 में क्या डाउट है बोलो जल्दी से, है बी और डी पार्ट। अच्छा जी, इधर 21 का डाउट बोलो जल्दी, और बच्चे वही डी हो गया ना, और बी, हाँ हो गया, ठीक है और बोलो। चलो इसमें एंट्री है चार है, ए बी सी डी पांच है, पांचों करवा दूं? नहीं नहीं करो सर, अरे अभी 10 मिनट ही आ गए, आधा घंटा पड़ा। चलो ठीक है, मैं बी करवाता हूँ, ये देखो इधर देखो, ₹100 देखो, सुनो ये है दिमाग वाली एंट्री, इसको खोलो शांति के साथ, कंसंट्रेशन में आओ। ₹100 बीइंग द डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स वर क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इन द लेजर। अरे देखो, आपने किसी कस्टमर को ₹100 का डिस्काउंट दिया, अरे एक बुक ले, पीछे बुक नहीं लेके आई तू, उसको शेयर कर लो बुक। इधर देखो ₹100, सुनो मेरी बात, पहले आपने किसी को ₹100 का डिस्काउंट दिया और गलती से उसको डिस्काउंट रसीद में दिखा दिया, इधर देख हुआ क्या होगा? तो पता, जब आपने पूछना हो ना, एज्यूम कर लो सर किसको दिया, एक्स को दिया यार, एक्स को दिया। डिस्काउंट अलाउड करना कंपनी का एक्सपेंस है या इनकम? दूसरी देर में बोले हो यार, पागल तो नहीं तुम लोग, इतनी देर में आंसर क्या हुआ, कंफ्यूज हो? डिस्काउंट अलाउड करना कंपनी का एक्सपेंस है या इनकम? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का मतलब एंट्री ही होनी चाहिए थी। देखो मैं बताता हूँ आपको, एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2x। आपने x को ₹100 का डिस्काउंट दिया, ये एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू x। अच्छा, ये तो सही एंट्री होनी चाहिए। अब देखो आपने क्या कहानी पाई, पता है आपने क्या कहानी पाई? आपने दिखा दिया ₹100 का डिस्काउंट रिसीव किया, और डिस्काउंट रिसीव करना पता क्या होता है? इनकम, और इनकम का बढ़ना, यानी आपने एक्स को तो अपनी जगह पे सही दिखाया, और साथ में वालों में क्या दिखा दिया? लो समझ में आई, आपने एक्स को सही दिखा, एक्स में गलती नहीं है, डिस्काउंट अलाउड को आपने डिस्काउंट रिसीव यानी क्रेडिट में दिखा दिया, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव होता है क्रेडिट और अलाउड होता है डेबिट। आई बात समझ में? इधर नंबर, अब क्या हुआ, फर्क कितने का आया? और घबराहट में आपने क्या खोला? अब आज गलती मिल गई, आज गलती मिल गई तो ओ इधर, अब बातें नहीं होंगी, मैंने कहा बातें नहीं, अगर आज गलती मिल गई तो सस्पेंस अकाउंट की जरूरत है? नहीं जरूरत है, इसको हटा देते हैं। टू सस्पेंस अकाउंट दोस्त, ठीक है, मुझे बताओ ये डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे होना चाहिए था? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, और सही मायने में क्या आना चाहिए था? ये कल के पेपर में एंट्री आएगी, गारंटी देता हूँ तुम्हारी 100%, और आपके पेपर में भी आएगी, आपके स्कूल टेस्ट में भी एंट्री आएगी वाली, ट्यूशन वाले ये कल। हेलो राणा जी, सुनो ये आप ये पेपर में ये स्कूल में एंट्री आएगी, वही लिख लो स्कूल, वहां आएगी, हर हाल 100% आएगी, देखना
100% 8 में एक एंट्री पक्का है। ठीक है चलो और बोलो, और कौन सा बोलो, अगला बोलो, बी के बाद बोलो कौन सा था, बी ये लो आ जाओ डी देखो। फिर देखो मेरी बात सुनो, जब आप डाउट पूछते हो ना, चाहे डाउट वो आपका है या नहीं है, आपको शांति से सुनना है क्योंकि दोबारा रिवीजन करने में नुकसान नहीं है। अगर आपका डाउट नहीं भी है सुन तो सकते हो बात को। ठीक है राणा जी आ जाओ इधर देखो, डी देखो क्या बोल रहा है। ₹26 अपीयरिंग इन द कैश बुक एज पेड फॉर द परचेज ऑफ स्टेशनरी। आपने ₹26 पे किए स्टेशनरी खरीदने के लिए। अगर सही तरह से काम करते ना आप तो मालूम है क्या होना चाहिए था, आपको लिखना था स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो सही काम होना चाहिए था, सही। अच्छा आपने क्या किया, आप देखते क्या किया, ₹26 अपीयरिंग इन द कैश बुक एज पेड फॉर द परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज हैव नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर। यानी आपने स्टेशनरी को उसके लेजर में पोस्ट नहीं किया, आपने इसको पोस्ट नहीं किया लेकिन इसको आपने पोस्ट किया, स्टेशनरी के लेजर में पोस्ट नहीं किया लेकिन कैश का पोस्ट किया, तो डिफरेंस कहां पे आया होगा, डेबिट साइड में। इधर आपने क्या बोल दिया होगा, कितना 26। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको यहां से हटाओ तो क्या लिखोगे, और डेबिट में क्या आना चाहिए, ये तो बहुत छोटी मिस्टेक थी, इट वेरी सिंपल मिस्टेक। स्टेशनरी में आना चाहिए 26 और सस्पेंस में चला गया 26, दोनों तरफ बात खत्म हो गई। और बताओ, अच्छा पता क्या है, अब इसका ना नीचे आंसर दिया हुआ, सस्पेंस अकाउंट 40 एंड टोटल सस्पेंस अकाउंट 326। जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया है ना वो डाल के देखो आंसर टैली हो रहा है। चलो आगे बताओ, और बताओ 21 में कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है आपके, आपने 21 का लेजर बनाया किसी ने, उसे मांगा है लेजर आपसे, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड सस्पेंस अकाउंट, बनाया किसी ने, किसी ने बनाया, नहीं नहीं क्लास होल्ड करेंगे, आप बना के देखो, मुझे शक है कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, मिला के देखो आप, बनाओ लेजर जल्दी करो फटाफट 5 मिनट में इसका लेजर बनाओ। अच्छा अगर पढ़ने का शौक है तो आ गया है, आ गया जी कोई बात नहीं, जिंदगी में जरूरी क्या है पढ़ना, बातें करनी जरूरी नहीं है। आ जाओ क्या है, ₹75 रिसीव्ड एज डिस्काउंट फ्रॉम अ क्रेडिटर वॉज ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट बट इट वॉज ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन डिस्काउंट अकाउंट। अरे सुनो यार, आपने ₹75 रिसीव किए डिस्काउंट के, किसी भी किससे रिसीव किया आपने, क्रेडिटर से, मान लो उसका नाम एक्स, ये देखो इधर देखो एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी फाइल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। मान लो पायल आपका क्रेडिटर है और उसने आपको 75 का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट रिसीव करना आपकी इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर दिया पायल को, डेबिट हो गई एंट्री, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। अब आपने क्या गलती करी, अब पढ़ो, वॉज ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट, ड्यूली इसके अकाउंट में एंटर कर दिया बट वॉज ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन डिस्काउंट अकाउंट। ये देखो आपने ये तो लिख दिया, ये तो आपने लिख दिया 75 पर वहां कुछ नहीं लिखा, भूल गए, बोलो किस तरह फर्क आया होगा, क्रेडिट साइड में, तो आपने क्या खोला होगा यहाँ पे, आप गलती मिल गई, इसकी जरूरत है तो फिर क्या करोगे बोलो जल्दी से, और सही में क्या जाना चाहिए टू, हो गया इसका सेकंड पार्ट हो गया। आ जाओ जरा फोर्थ पार्ट देखो क्या बोलता है, ₹900 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर वर ओमिटेड टू बी टेकन टू द शेड्यूल ऑफ संडे डेबिटर्स। ओके अच्छा है, ये लो। अब ये डेबिटर किसको बनाना पड़ेगा, चलो राहुल को बना लेते हैं। ठीक है एंट्री क्या थी,
रुपीज 900 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर, हमें 900 रुपए लेने थे किससे, राहुल से, फाइन। रुपीज 900 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर वर ओमिटेड टू बी टेकन टू द शेड्यूल ऑफ सन्ड्री डेप्टर्स। कब आ रही है, बड़ा अच्छा दिया, 900 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर, 900 रुपए ड्यू थे कस्टमर से, यानी हमने माल बेचा था राहुल को, तभी 900 रुपए ड्यू थे। और पहले वो एंट्री करते हैं, हमने 900 रुपए का माल बेचा, 900 का माल बेचा तो हमने एंट्री करनी चाहिए थी राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 900 रुपीज का ड्यू था किससे, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, 900 रुपए का ड्यू था किससे, कस्टमर से, और क्या हुआ, वर ओमिटेड टू बी टेकन टू द शेड्यूल ऑफ सन्ड्री डेब्टर्स, यानी सेल्स में तो बुक किया लेकिन यहां कुछ बुक नहीं किया, सेल्स में बुक किया लेकिन यहां कुछ बुक नहीं किया, इस तरफ हमने बुक नहीं किया तो फिर इस तरफ क्या आया होगा, अब इसकी जरूरत है, नई जरूरत है तो अब इसको हटाए तो हमने एंट्री पास की होगी टू सस्पेंस अकाउंट 900, और सही महीने में क्या आना चाहिए था यहाँ पे, लो अच्छी एंट्री थी, इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन, बहुत नाइस डाउट था ये एक स्ट्रॉन्ग डाउट था, अच्छा वाला डाउट था ये, ठीक है जी। चलो और बताओ, खत्म 19 का आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, फर्स्ट पार्ट, गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 620 सोल्ड टू डीएन कंपनी, लो पहले बेच लेना, पहले गुड्स बेचे, आ जाओ, गुड्स अमाउंटिंग टू 620 सोल्ड टू किसको बेचे, पता है क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी, डी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, कितने के बेचे, 620, अब देखो इधर, ऐसे मेरी बात सुनो, आपने चैप्टर की सच्ची में बेइज्जती कर दी, इजी कह के ना इसको, मैं हर साल बच्चों को डराता था और बच्चे डरते भी थे, आपने इजी कह के इसकी बेइज्जती कर दी चैप्टर की, और बच्चे डरते भी थे, आ जाओ कितने, एक मिनट सुनो अभी आगे, गुड्स अमाउंटिंग टू 620 सोल्ड टू डीएन कंपनी, ये हो गया, वर करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, यानी सेल्स में कोई गलती नहीं है, करेक्टली एंटर्ड इन द, यहाँ कोई गलती नहीं, लेकिन आगे क्या किया, आगे पढ़ते हैं, बट पोस्टेड टू द कंपनीज अकाउंट एट रुपीज 260, यानी डी एंड कंपनी के नाम पे कितना कर दिया, इधर देखो 620 इस तरफ, 260 इस तरफ, कितने का फर्क आया, 360, किस तरफ आया फर्क, कहाँ खोला सस्पेंस अकाउंट, आज गलती मिल गई, Yes, sir. इसकी जरूरत है, नो सर, इसकी जरूरत नहीं तो हटाओ, डीएन कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, आपने ना इस चैप्टर को सच्ची में बोलते मिट्टी प्लीज कर दी, इस चैप्टर की आप लोगों ने इस चैप्टर की मिट्टी प्लीज कर दी, चैप्टर इतना आसान था नहीं जितना आपने आसान बना दिया इसको, सच्ची कह रहा हूँ, ये बात, ये मैं इनडायरेक्टली अपनी तारीफ कर रहा हूँ लेकिन आप समझ रहे हो, आपने आपने इस चैप्टर को इतना आसान बना दिया, ये सच्ची में इतना आसान चैप्टर था नहीं, सच कह रहा हूँ, ये सच्ची में बच्चों को डराने वाला चैप्टर है, और मैं सच बोलूं आपको, अगला चैप्टर सच में बहुत आसान है, अगले चैप्टर में है ही कुछ नहीं, जिसको ट्रायल बैलेंस बनाना आ गया उसको अगला चैप्टर भी आ गया, अगले वाला, लेकिन उसके अगले वाला थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, तीन अभी, तीन बाकी है, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट, और फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, और बोलो 18 का फर्स्ट है, इलिसिट 18 का, अच्छा ठीक, चार चैप्टर पढ़े सर, कौन से, कैपिटल एंड रिजर्व, तो पढ़ा, तो मैं एक ही दिन में करवाऊंगा, एक वो भी नहीं करवाया अभी, प्रोविजन एंड रिजर्व, आ जाओ इधर, हेलो एक मिनट सुनो, जब कोई बच्चा डाउट पूछता था सारे सुना करो, 18 का फर्स्ट इलिस्ट्रेशन, ओके देखो एक बार, मस्ती नहीं, अच्छा इधर देखो, इधर गौर से, मटेरियल फ्रॉम स्टोर 5000 एंड वेज, 18 का फर्स्ट, मटेरियल फ्रॉम स्टोर 5000 एंड वेजेस 2000 हैड बीन यूज्ड इन मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट
फॉर यूज इन द ऑन फैक्ट्री। अरे सुनो 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 मेरी बात, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट जो होते हैं ना वो हमारे असेट्स हैं, देयर आर असेट्स। जिन टूल्स मैंने एक मैकेनिक के लिए जो उसके उस पानी नहीं होते जिससे वो खोलता है टाइट करता है, ठीक है। अब सुनो इधर, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए अपने हमने अपनी फैक्ट्री से 5000 रुपए का क्या लिया, मटेरियल लिया, और 2000 रुपए का क्या किया हमने वेजेस दिए। फिर क्या बोलता है, बट नो एडजस्टमेंट्स वर मेड इन द बुक्स। हमने बुक में कोई एडजस्टमेंट किए, ये तो टू सेटेड, हमने बुक में कोई एडजस्टमेंट नहीं की, लेकिन हमने माल लिया कितने का, 5000 का, और क्या लिया, 2000 का हमने वो लिया वेजेस, और किसके लिए, टूल्स बनाने के लिए। मालूम एंट्री करनी चाहिए थी, देखो एंट्री डेबिट करनी चाहिए थी टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट, कितने के बनाए, 7000। ये बना टूल्स एंड इक्विपमेंट, और पता है क्या क्या लगा इसके लिए, 5002 है, यही है। मटेरियल फ्रॉम स्टोर 5000 एंड वेजेस रुपीज 2000 हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर यूज इन द ऑन फैक्ट्री, बट नो एडजस्टमेंट्स वर मेड इन द बुक्स। ठीक तो इतने आएगा, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। टूल्स बने 7000 रुपए के, उसमें से 5000 का मटेरियल चला गया, 2000 रुपए कैश दे दिए, लेकिन बना कितने का टूल्स, ये क्या कर रहा है। अब ठीक है, वेजेस दिखा दिया हमने, कैश दिखा दिया, ठीक है जी। अब वेजेस दिखा दो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब वेजेस दिखाओ, हमने क्या बनाया, टूल्स बनाया, अगर आप वेजेस दिखाओगे तो ठीक रहेगा, ये भी दिखा दो चलेगा, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है काम करेगा, ठीक है। ये सिंगल एंट्री होगी, कौन सी होगी, टू साइडेड है, इसमें वो नहीं है सस्पेंस अकाउंट। और बोलो इसी का, अ चेक ऑफ रुपीज, हेलो सुनो, ये इम्पोर्टेंट डाउट है जो पूछ रही है, अ चेक ऑफ रुपीज 500, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटे, ये वाला, इट वॉज अ वेरी नाइस एंट्री, ये एंट्री बहुत जबरदस्त थी। उसके बाद अ चेक ऑफ रुपीज 500 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक वॉज डिसऑर्डर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। इंसान कैसी कैसी गलती कर सकता है, समझ सकते हो। अ चेक ऑफ रुपीज 500 रिसीव फ्रॉम अशोक वॉज डिसऑर्डर्ड, हमें एक चेक मिला अशोक से, वो गलती नहीं है। अरे सुनो यार, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये बच्ची जो भी डाउट लाई है, ये खतरनाक डाउट लाई है, बहुत अच्छे डाउट है, मैं मार्क कर लूंगा, कल पेपर में देने पड़ेंगे। ये लो क्या बोल रहा है, सुनो इधर गौर से, एंट्री सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, उससे मिलना बाद में हो जाएगा, बर्थ मिला। इधर देखो, अ चेक ऑफ रुपीज 500 रिसीव फ्रॉम अशोक, अशोक से 500 का चेक आया, कैंट्री चाहिए थी, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक, लेकिन वो बात नहीं है, वाज डिसऑनर्ड, वो चेक ऑलरेडी डिसऑनर्ड हो चुका था, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी। द चेक रिसीव फ्रॉम अशोक वाज डिसऑनर्ड, ये है वो बात, जो आया उसकी एंट्री नहीं करनी, डिसऑनर्ड हो चुका, अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हुआ क्या, अब देखो गलती क्या हुई, फिर क्या बोलता है, वॉज डिसऑनर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। मालूम है हमने क्या किया, यहां अशोक की जगह पे क्या लिखा, हमने इसके डेबिट में पोस्ट किया, डेबिट सेल्स रिटर्न से डेबिट होता है, हमने सेल्स रिटर्न के डेबिट में पोस्ट कर दी, वो क्या एंट्री पास कर रहा है पीछे किताब में, क्या एंट्री पास कर रहा है। अब देखो इसकी जरूरत ही ना यहाँ पे सेल्स रिटर्न की, गलत है ना ये, इसको यहाँ से हटाओ तो क्या हो जाएगा, और सही महीने में क्या आना चाहिए था, ये कर रहा ना पास अशोक, ये भी कौन सी एरर हो गई, टू साइड, अगर वो ये भी कौन सी एरर हो गई, टू साइड, यहाँ सस्पेंस अकाउंट नहीं है, ठीक है जी। चलो बहुत अच्छी एंट्री पूछे थे, और बताओ नाइन्थ का सर, आज रिप्लाई करते हैं, लेकिन अगर 1 मिनट, पेपर तो रेडी भी हो गया, देखो पेपर ये पड़ा है, ऑलरेडी तैयार है, आपने कब देना है पता नहीं, पेपर तो बन भी गया, लीक कर पेपर, लीक कर, वाह, आज मीडिया ने बोल दिया,
अच्छा पहले शांति रखो और टेस्ट की तैयारी करने। अभी मैं एक दो डाउट करवा दूँ, इसको बंद कर दो, बस हो गया, ये लो।